भर्तृहरि की इन बातों को अपना लिया तो आपका जीवन हो जाएगा सफल। भर्तृहरि संस्कृत के महान कवि थे। वह एक प्रसिद्ध नृत्यकार के रूप में प्रसिद्ध है। एक समय उनके जीवन में ऐसा आया जब उन्होंने मोह माया त्याग कर तपस्या करने वन को चले गए। तपस्या कर उन्होंने कई नीति श्लोक और पुस्तकें लिखी जिसे आप अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाकर अपने जीवन की दशा सुधार सकते हैं। भर्तृहरि कहते हैं, भगवान ने मूर्खों को चुप रहने का एक ऐसा वरदान दिया है जिससे वह समाज में अपनी इज्जत को छुपाकर बच सकते हैं। यह मूर्खों के लिए किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं है। भर्तृहरि के अनुसार प्रयास करने से रेत से भी जल निकाला जा सकता है। यहाँ तक कि आप इस दुनिया में सींग वाले खरगोश को भी विचरण करते देख सकते हैं, लेकिन एक मूर्ख को ज्ञान की बात बताना और समझाना मुश्किल है। इसलिए मूर्ख व्यक्ति के साथ अपना समय बर्बाद न करें। भर्तृहरि कहते हैं, धन खर्च करने की तीन गति होती है, दान, भोग और नाश। लेकिन अगर कोई व्यक्ति न तो धन का दान करता है और न तो उसका भोग करता है, फिर उसकी तीसरी गति से कोई नहीं रोक सकता है। भर्तृहरि कहते हैं, सफल और खुश राजा वही होता है जो अपने प्रजा की खुशी के बारे में हमेशा सोचता हो। जिस दिन वह अपनी प्रजा के बारे में सोचना बंद करता है, उस दिन से उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है।